गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. चैप्टर नंबर 11 एलजेब्रा एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 इंट्रोडक्टरी पार्ट और अप टू फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस डे की क्लास तक अपना कंप्लीट हो चुका था और उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 के साथ. कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड. देर आर 5 कैडेट्स इन अ रो. वन रो में कितने हैं? 5 कैडेट्स है. नंबर ऑफ कैडेट्स इन वन रो इज इक्वल्स टू 5. उसके बाद कहा गया व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स फॉर गिवन नंबर ऑफ रोज. यूज एक्स फॉर द नंबर ऑफ रोज. की लॉ लिखना है अपने पास लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एक्स. क्वेश्चन में कह रहा है तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे. टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे वो हमें पता करना है. देन टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कैडेट्स इन वन रो. नंबर ऑफ रोज कितनी थी बेटा अपनी के एक्स. नंबर ऑफ कैडेट्स वन रो में कितने थे? 5. देन 5 मल्टीप्लाई विद एक्स देन 5x. देन टोटल कैडेट्स कितने हुए? 5x कैडेट्स. टोटल कैडेट्स कितने हुए? 5x. अगर मान लिया मैं आपको यहां कह देता हूं कि लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 5. Then 5 multiply by 5, 5, 5 जा 25 कैडेट्स आंसर आता था अपना. ठीक है, 5, 5 जा 25. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अपना, है ना. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4. इफ देर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स. 50 मैंगोज इन अ बॉक्स कि एक बॉक्स में 50 mangoes. How will you write the total number of mangoes in the term of number of boxes? How will you write the total number of mangoes in the term of the number of boxes? कि box कितने हैं, उस box के according आप कितने numbers लिख सकते हो mangoes के लिए. तो इसने क्या दिया साथ में कि let use be for the number of boxes. नंबर ऑफ बॉक्सेस बी दे दिया. नंबर ऑफ बॉक्स मैंगोज इन अ बॉक्स 50 दे दिया तो उसका टोटल मैंगोज कैसे निकालेंगे. तो अपने अपर पार्ट को इरेज करते हैं इसके. क्वेश्चन नंबर 4 लेट the number of boxes b box. उसके बाद कहा number of mangoes in one box. one box में mango कितने थे अपने पास के 50 mangoes. वन बॉक्स में 50 है तो बी बॉक्स में कितने होंगे बी इंटू 50. देन सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह टोटल नंबर ऑफ मैंगोज किसके इक्वल है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ
mangoes in one box. Therefore, number of boxes क्या था अपना B? Number of mangoes one box में कितना था? 50. Therefore, 50 into B, 50 B mangoes. यानी overall हमारे पास कितने mangoes थे? 50 B mangoes. Okay? चलो करो, इन दोनों questions को note करो, उसके बाद फिर next बढ़ते हैं. चलें देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड 5 पेंसिल फॉर पर स्टूडेंट. यानी नंबर ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट्स है ना. पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 5. यानी एक स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल मिलती है? 5 पेंसिल. कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड फॉर. यानी नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड आउट करनी है. गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स B x, then total number of pencils किसके इक्वल आएगी? कि number of students multiply by pencils distributed per student. The number of students kitna the apne x multiply by 5 s, then 5s pencils. And total kitni pencils thi apne ko? 5 s pencils. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मीटर. बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मीटर. यानी एक पक्षी जो है 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है ना. यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बर्ड इन 1 मिनट. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बर्ड इन 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. यानी 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है. Can you express the distance covered by the bird in the term of its flying time in minutes? Use T for flying time in minutes. यानी total distance कितनी cover करेगा T मिनट में, है ना? T for flying time. तो flying time भी T. Let B T. कुल मिला के वो T टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? क्या करेंगे इसके लिए? मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इन T टाइम इज इक्वल टू T multiply by 1, then T kilometer.
एंड टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो 3 किलोमीटर। ठीक है चलो करो उसको कंप्लीट करो उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है पेपर में कई बार आता है ध्यान रखना। इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन बहुत कम है और जो आते हैं वो सामने दिख जाते हैं कि भैया मेरा नंबर आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है ना राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस जॉइनिंग डॉट्स। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। राधा क्या बनाती है एक डॉट रंगोली यानी पॉइंट लगा लगा के डिजाइन बना रही है विद चॉक पाउडर। सी हैज 9 डॉट्स इन अ रो यानी नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो इज इक्वल्स टू 9 यानी एक लाइन में वो कितने डॉट लगा देती है 9 डॉट लगाती है। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज यानी नंबर ऑफ रोज कितनी दी बेटा उसको नंबर ऑफ रोज देन आर रोज यानी कुल मिला के वो आर लाइन ने बनाती है। ठीक है हाउ मेनी डॉट्स विल रंगोली हैव फॉर आर रोज तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं है ना तो लिखते हैं नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डॉट्स इन वन रो एक रो में कितने डॉट्स थे उसके पास कि टोटल 9 नंबर ऑफ रोज कितनी थी कि आर देन आर मल्टीप्लाई बाय 9 देयरफॉर 9 आर डॉट्स यानी कुल मिला के वो 9 आर डॉट्स लगाती थी। यहां तक का क्वेश्चन तो वो वैसे ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने करे थे। ठीक है ना आगे क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा है वो हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज यानी इसका फर्स्ट केस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज अपनी किसके इक्वल है बेटा आर के कितनी दी है 8 तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने लगेंगे उसके पास द नंबर ऑफ डॉट्स रूल क्या कहता था अपना 9R है ना देन 9 मल्टीप्लाई बाय 8 9 8 72 डॉट्स रूल्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है सिर्फ हफ्तों में है ना। और सेकेंडली क्या कह रहा है अगर हमें वो कि नंबर ऑफ डॉट्स इज 10 रोज यानी नंबर ऑफ रोज क्या दिया अब इज इक्वल्स टू 10 देन नंबर ऑफ डॉट्स 10 मल्टीप्लाई बाय 9 है ना या 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इट मीन्स 90 डॉट्स कुल मिला के उसको 90 डॉट्स लगाने पड़ेंगे। ओके करो नोट इसको फिर लीला को लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लीला है ना दिखा दे अपनी लीला लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला क्या है राधा की यंगर सिस्टर है। लीला इज 4 इयर्स यंगर देन राधा। लीला जो है राधा से 4 इयर्स यंगर है यानी छोटी है। ठीक है
Can you write Leela's age in the term of Radha's age? क्या तुम लीला की एज को राधा की एज के कंपेयर करते हुए लिख सकते हो? कि कंपेयर किससे करना है हमें? राधा की एज से, ठीक है ना? टेक राधाज एज टू बी एक्स ईयर्स, ये कह रहा है हमें ये मानना है कि हमारी राधा की एज कितनी है? एक्स ईयर्स है। तो यहां लिखा हमने लेट राधाज एज बी एक्स ईयर्स। उसके बाद क्या कहा कि लीला जो है वो राधा से 4 ईयर्स यंगर है, यानी राधा से छोटी है। तो राधा की जो भी एज है उसमें से अगर मैं क्या करूं, 4 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो किसकी एज आ जाएगी? अपने लीला की एज। किसकी एज आ जाएगी अपने पास में? लीला की एज, है ना? एज लीला इज 4 ईयर्स यंगर देन राधा। जैसा कि हम जानते हैं कि लीला जो है वो क्या है, 4 ईयर्स यंगर देन राधा, कि राधा से 4 ईयर्स क्या है, यंगर है। देन लीलाज एज क्या होगी? देन लीलाज एज इज इक्वल्स टू राधाज एज माइनस 4, कि राधा की एज में से 4 क्या कर दें, माइनस कर दें। देयर फॉर लीलाज एज इज इक्वल्स टू, राधा कितने की थी बेटा, कि एक्स की, माइनस किया 4, किसके इक्वल हो गया, कि लीलाज की एज के। तो लीला की एज कितनी हो गई है, एक्स माइनस 4 ईयर्स। मैं अगर आपको ये कहता हूं कि राधा बेटा 10 साल की है, तो लीला कितने की जाएगी, 10 माइनस 4, इट गिव्स 6 ईयर्स। ओके, चलो करो नोट करो इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मैं मदर हैज मेड लड्डूज, मम्मी ने लड्डू बनाए, है ना? मतलब मैं खाने के लिए कम दिए, आया गया वो खा गया सारा कुछ, है ना? गेस्ट जितने भी आए मैक्सिमम वही खा गए। चलो देखो, मदर हैज मेड लड्डूज, सी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स। मम्मी ने कुछ लड्डू बनाए और उनमें से कुछ लड्डू निकाल के गेस्ट और फैमिली मेंबर्स को दे दिए, घर वाले बैठे ही रह गए, है ना? स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, यानी सबको बांट दिए, फिर कितने लड्डू बचे, 5, यानी रिमेनिंग लड्डूज कितने रहे अपने पास, 5 लड्डू, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 9, रिमेनिंग लड्डूज 5 लड्डू क्या रहे, रिमेन रहे। ओके, इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल, नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे, कितने बांट दिए उसने, एल बांट दिए, एल तो क्या कर दिए उसने, बांट दिए, और 5 उसके पास अभी भी रिमेनिंग है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, How many laddus did she make? तो उसने कुल मिला के कितने लड्डू बनाए, number of laddus which she made, number of laddus she, यानी mother
मम्मी ने कितने लड्डू बनाए? तो लड्डूज गेव अवे, मैं ऐड कर दें रिमेनिंग लड्डूज, है ना। लड्डू बनाए कितने थे बेटा? तो वाई एल तो उसने बांट दिए, फाइव उसके पास रिमेनिंग रह गए थे, तो टोटल कितने बनाए? एल प्लस फाइव लड्डूज, कुल मिला के उसने एल प्लस फाइव लड्डूज बनाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स, 10 और 11। कोशिश करना कि अगर आपसे हो जाए तो, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्स, एक बड़े बॉक्स में से छोटे बॉक्स में हमें क्या करनी है, ऑरेंज को ट्रांसफर करना है। व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, जब लार्ज बॉक्स क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल टू स्मॉलर बॉक्सेस, लार्ज में से निकाल के हमें टू स्मॉलर बॉक्स में डालना था, और उसके बाद भी भाई हमारे पास में 10 ऑरेंजेस रिमेन है, यानी टू बॉक्स में डाला, यानी 2x में डाल दिया, अभी हमारे पास 10 रिमेनिंग थे, तो 2x प्लस 10, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने थे अपने पास, 2x प्लस 10। कोशिश करना इसको करने की, अगर हो जाता है दी बेस्ट है, अदरवाइज मिलते हैं कल की क्लास में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।